हेलो फ्रेंड्स माइ मैथ्स फैकल्टी तो डी सी एम के पेपर नंबर फिफ्टीन का सोल्यूशन देखें तो उसमें मैथ्स में आपके टॉपिक है सर्कल ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टच बोथ द लाइन इक्वल टू ए तो आपको उस सर्कल का इक्वेशन बताना है विच टचेज दू ए एंड लाइन एक्सिकल टू ए तो देखो आपके पास में किस टाइप से हो सकता है ये लाइन इक्वल टू ए आपके पास में दो टाइप से हो सकती है ए पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है तो इस टाइप से आपके पास में ये एक ऐसा भी हो सकती है लाइन ऐसी भी हो सकती है यहाँ एक सर्कल इधर बनेगा आपके पास में एक सर्कल इधर हो सकता है एक सर्कल इधर हो सकता है ठीक है एक सर्कल इधर हो सकता है ओरिजिन इज हियर सो दिस इज एक्सिजिकल टू ए यहां पे आपके पास में इसका जो रेडियस रहेगा दैट विल बी ए बाई टू यहाँ पे सेंटर क्या मिलेगा आपको ए बाई टू ए बाई टू ऐसा यहां पे सेंटर क्या मिलेगा आपको ए बाई टू माइनस ए बाई टू सो द सेंटर्स विल बी लाइक दिस तो प्लस माइनस ए बाई टू प्लस माइनस ए बाई टू ऐसा हो गया सो व्हाट विल द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी हियर एक्स प्लस माइनस ए बाई टू होल स्क्वायर

अब नेक्स्ट में देखो आपके पास है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल्स इन दोनों सर्कल पे आप कितने टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस एंड सेंटर्स तो इनके रेडियस निकालो तो आर वन देखो आपके पास में कितना सेंटर देखो इसका कितना आ रहा है सेंटर यहां पे टू थ्री सो वट विल बी इट्स रेडियस रेडियस विल बी हेयर तो रेडियस अपने देखते हैं यहां पे सेंटर इसका कितना फोर नाइन एंड

हमारे पास में आ रहा है आर वन प्लस आर टू इज इकल टू वी वन सी टू सो वट डीन सो यू कैन ड्रा द थ्री कॉमन टेंजेंट्स ओके सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट टू जीरो एंड जीरो फोर एंड हैविंग द मिनिमम रेडियस तो अपने को एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताना है मिनिमम रेडियस the, so, जैसे पॉइंट ये हो गया आपके पास, तो टू जीरो okay? so, से यू कैन ड्रा द मेनी सर्कल्स पासिंग थ्रू दीज पॉइंट तो बहुत सारे सर्कल आप ड्रा कर सकते हो ऐसे एक ये भी आएगा इस टाइप से आएगा बट देर इज ए वन सर्कल विच विलिमम रेडियस तो मिनिमम रेडियस वाला कौन सा सर्कल आएगा whose diameter ends are the these two points here dono jo points onge, they will be the diameters of the ends so equation of circle will be here when these two points are the ends of the diameter so equation of circle will be x minus 2 and x minus 0 plus y minus 0 and y minus 4 equal to 0 so we have here x square plus y square minus 2x माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो सो इक्वेशन टू दिस सर्कल भी है सेकंड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब इस क्वेश्चन में देखो लेंथ ऑफ देखेंट टेंजेंट ऑन फ्रॉम एनी पॉइंट लेंथ ऑफ देंजेंट टेंजेंट ऑन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल टू दिस सर्कल इस डी क्या है इसमें डी इज गिवन टू यू दैट इज ग्रेटर देन सी तो देखो आपके पास में जो पॉइंट इस सर्कल पे लाई करता है उस पॉइंट से इस सर्कल पे क्या टेंजेंट जाते हैं so okay, so, आपके पास में इस टाइप का सर्कल बनेगा ये वाला बाहर वाला ये अंदर वाला होगा ऐसे ओके okay? तो so, ये जैसे मैं इसको पहले वाले को एस वन ले लेता हूं दूसरे वाले को एस टू ले लिया सो दिस इज एस वन

ये अपना इसका इधर ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा ठीक है ये इधर देखो सो आर टू स्क्र वी है इसको देखें दोबारा सो भी है प्लस एफ स्क्र माइनस सी मा, एंड दिस इज स्क्र प्लस एफ स्क्र प्लस डी स्क्र डी ऐसा हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएंगे माइनस का आएगा ये दोनों कैंसिल सो वी है डी माइनस सी ओके आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है सेकेंड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखे द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज वाई एक्स एंड हैविंग सेंटर माइनस टू माइनस थ्री द इक्वेशन यू हैव टू टेल द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचिस दाई एक्स एंड हैविंग सेंटर उसका सेंटर क्या आपके पास में देखो ऐसा है ये. टच करता है वाई एक्सेस को ऐसे सो सेंटर भी है माइनस टू माइनस थ्री ओके सो व्हाट विल बी इट्स रेडियस रेडियस विल बी माइनस टू मतलब टू ओनली टू क्योंकि रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव सो दिस सर्कल इज टचिंग दाई एक्सेस एंड हैविंग सेंटर माइनस टू माइनस थ्री सो रेडियस विल बी टू सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स प्लस टू होल स्केयर वाई प्लस थ्री होल इज इक्वल टू 2 square so this will be x square plus y square plus 4x plus 6y and 9 plus 4 13 13 this is minus 4 plus 9 so equation of the circle we have that is third one okay next question find the equation of the circle with center 4 3 टचिंग दी दिस सर्कल इस सर्कल को वो टच करता है क्लियर तो ये सर्कल आपके पास में देखो कैसा है? सेंटर एट ओरिजिन, इस सर्कल का सेंटर क्या है आपके पास में ओरिजिन पे नाउ दे दीजिए अनदर सर्कल विच टचिंग दिस सर्कल हु फोर थ्री यहां हो गया अब इसमें दो टाइप के सर्कल हो सकते हैं एक सर्कल तो ये हो सकता है और एक सर्कल आपके पास में ऐसा हो सकता है देखो ये इस टाइप का बनेगा ओके सो ही सर्कल आर टचिंग एक्सटर्नली एक कंडीशन तो वो रहेगी और एक क्या दोनों इसका सेंटर क्या आपके पास में जीरो जीरो सो यू नो व्हेन बहुत ही सर्कल्स आर टचिंग नो आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू सी वन सी टू ऐसा रहेगा ठीक है ना वो वहां से आपके पास में, टचिंग इंटरनली मतलब इंटरनली टच करते हैं तो वहां से आपको की देखेंगे क्या आती है, तो देखो इसमें क्या क्या फॉर्मेशन रहेगा अगर इस कंडीशन में लेते हो तो यहां से तो सीधा ही है तो इससे आपके पास में सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा एक्स स्क्स वाई स्क्र माइनस एट एक्स माइनस सिक्स वाई एंड रेडियस विल बी हेयर तो सर्कल का इक्वेशन लिखा तो ट्वेंटी फाइव आएगा ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स प्लस नाइन प्लस का नाइन आएगा ना तो देखो इसमें इसमें ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा क्लियर है यहां पर ये इक्वेशन नहीं आ रही तो अब व्हेन दिस सर्कल टचिंग इंटरनली तो उसका रेडियस अपने क्या ले लेते हैं तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल वी टेक एज ए आर सो आर माइनस वन मोडल इक्वल टू वट सो डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज वी वी हैव हैव सो माइनस फाइव ओके तो एक का तो हमने पहले ही रेडियस निकाला था देखो अपने पास में यहां से प्लस का फाइव लेंगे तो यू विल हैव हियर तो आर इज इक्वल टू सिक्स तो रेडियस कितना आ रहा है सिक्स आ रहा है इससे देख लेते हैं एक्स माइनस फोर होल स्क्र एंड वाई माइनस थ्री होल दिस इज थर्टी सिक्स सो एक्स स्क्स वाई स्क्र माइनस एट एक्स माइनस सिक्स ट्वेंटी थर्टी सिक्स दैट इज माइनस इलेवन माइनस इलेवन आ रहा है ठीक है यहां से नेगेटिव वाला लेंगे नहीं क्योंकि रेडियस कैन नेवर भी नेगेटिव तो आंसर क्या हो गया इसके आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन विद द कोड तो आपको क्या है इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन विद द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स वन टू एंड टू माइनस वन सबेंड्स एन एंगल पाई बाई फोर पाई बाई फोर एंगल सबटेंड करती है और एट एनी पॉइंट ऑन दी सर्कम तो देखो इसमें ऐसा है दिस इज द कोड

इसमें पहले मोडलस लेंगे एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू इस फॉर्म में आएगा तो इसको आप सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको वन पहले पॉजिटिव साइन ले लेते हैं सो वट इज एम वन वाई प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू एंड माइनस वाई माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन में वन प्लस दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा y प्लस वन एक्स माइनस टू वाई माइनस टू एक्स माइनस वन इस फॉर्म में आ रहा है इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या बनेगा आपके पास में वो तो सर्कल का इक्वेशन आएगा एल्शियम लेते हैं तो क्या आ रहा है यहां से आपके पास में एक्स वाई minus y and plus x minus 1 minus so we have xy plus 2x and minus plus ka 2y and we have plus 2 minus 4 upon me x square minus 3x plus 2 so here we have y square plus 2y माइनस टू बाई माइनस वाई और माइनस टू इस फॉरम में आ रहा है इसको कुछ कैंसिल करेंगे यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया आपने तो देखो क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वाई टू टू कैंसिल इधर राइट हैंड साइड में सो वी हैव वाई एंड प्लस थ्री एक्स एंड माइनस वाई ओके इस फॉरम में बन रहा है इसको देखो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो भी है कौन सा फॉर्म बन गया यहाँ पे सो दिस इज माइनस सिक्स एक्स सो एक्स प्लस वाई स्क् माइनस सिक्स एक्स माइनस टू वाई एंड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो ओके तो इस टाइप का इक्वेशन तो है ना ही आपके पास में अब आप क्या करेंगे यहां से नेगेटिव साइन बना लो

कोड सो टू हंड इज आर वी एफ टू सो पी वीडिक सर्कल एन अपॉन रूट टू दैट यू है इसका स्क्र लेना है अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं देखो आपके पास में टू इधर कितना आएगा दिस विल बी एट माइनस सैन स्केयर ओके अपोन में दिस इज अपन टू अब इसमें क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एल्फ स्केर सो दिस वी हैट ये कितने किसके कुल आएगा आपके पास में टू सो ये वी एल्फ स्केयर इज इक्वल टू वी है ऐसा आएगा अब दिस मस्ट बी ग्रेटर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो एन the so कहां से कहां तक वेरी करेगा यहां पे माइनस टू रूट टू से टू रूट टू से टू रूट टू तक ओके okay? अब वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है तो सम ऑफ दी सो वट आर दॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन एन की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी आपके पास में टू पॉइंट टू एट सो यू है एन इज इकल टू वन एन टू एन की वैल्यू आपको वन और टू लेनी है ठीक तो तो so, है जब वन और वन रखोगे तो क्या आएगा यूले स्क्यर ऑफ लेंथ ऑफ द कोड विल बी वन रखेंगे तो यहाँ पे 14, so एक तो वैल्यू आ गई आपके पास एन इज इकल टू वन के लिए टू डालोगे तो कितना आएगा आपके पास में दट विल्वेंटी टू इन दोनों का सम कितना मिल रहा है ट्वेंटी टू आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है सेकंड ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ए ट्राइंगल इज फोन बाय द लाइंस ट्रायंगल इज बाय गिवन बाय दिस थ्री इक्वेशन तीन इक्वेशन है सो देन इक्वेशन ऑफ दिस इट्स सर्कम सर्कल तो सर्कम सर्कल का इक्वेशन बताना है तो देखो आपके पास में सिंपल यहाँ पे x प्लस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो कितनी इक्वेशन बनी इससे यहां से यू विल गेट थ्री लाइंस फ्रॉम हियर यहां से तीन लाइन मिलेगी आपको तो इसमें से देखो आपके पास में कॉमन क्या है x कॉमन आ रहा है y माइनस तो यहां से एक आपको क्या मिला x माइनस वन और y माइनस टू ये तीन लाइन्स मिल गई आपको ओके अब इसमें देखो दिस इज द लाइन इन दिस फॉर्म इस फॉर्म में आ गई you know, ये लाइन। नो ऐसी लाइन हो गया. ये x is equal to one हो हो गई। ये ये गया। गया। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो इसके साथ में निकाल लो वाई इजिकल टू टू रखोगे यहां परल टू टू रखा तो आपके पास में क्या आ रहा है x की वैल्यू टू आ रही है सो हेयर हैव है एक्स इज इकल टू टू सो दिसकल टू वन इसमें डालते हैं तो क्या आ रहा है so, so, क्या मिल रहा है आपके पास में एक्स इजिकल टू वन वन डाला तो वाई इजल टू क्या आपके पास में थ्री ओके सो नाउ व इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज दर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल अपने इस सर्कल का इक्वेशन निकालो हूं डायमीटर एंड्स विल बी दीज टू पॉइंट्स। तो इक्वेशन क्या होगी x माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस वाई माइनस थ्री वाई माइनस टू सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड सर्कल यू कैन राइट डाउन इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं तो क्या आएगा आपके पास है माइनस और माइनस का फाइव ऐसा आ रहा है प्लस टू प्लस सो वी हैव इक्वेशन ऑफ दिस सर्कम सर्कल तो दट इज एक्स स्क्स वाई स्क्र माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव एट इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन मेंड इज ड्रॉन थ्रू दिजन एक वेरिएबल कोड ड्रा की जाती है ट्रू दिस सर्कल सो दोकस ऑफ देंटर ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन दिस कोड एज ए डायमीटर सो दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू बट ओरिजन ओरिजन से पास कर रहा है क्लियर एंड हुई ए कोमा जीरो ऐसा सर्कल हो गया आपके पास में अब एक कोड क्या ड्रा की जाती है कोड इज ड्रॉन ओके अब नाव

रखेंगे तो देखो आपके पास में एक्स स्क् प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स इजिकल टू जीरो पे आप रखोगे वैल्यूज तो क्या आएगा आपके पास स्कोर स्क्स ए एच फोर ए एच इक्वल ऑफ देंटर ऑफ दर्कल हुई दिस कोड ओके एक्स स्क् प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू जीरो सो

तो दोनों सर्कल की जो कॉमन कोड होगी दैट विल बी द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल देखो ऐसा है ये एक सर्कल हो गया कौन सा ये दूसरा सर्कल है जो एस टू इज इक्वल टू जीरो इट सर्कम्फ्रेंस इट इज बाइसेड इस सर्कम्फ्रेंस इज बाइसेड बाई द दिस सर्कल ओके सो देन कॉमन कोड इज द डायमीटर ऑफ व्हाट सेकंड सर्कल तो इनके कॉमन कोड निकाल ले पहले अपने पास में एस वन माइनस एस टू इज इक्वल टू जीरो ये सो दैट विल बी हियर 6x एंड प्लस फोर्टीन फिर प्लस सी प्लस डी ओके ये कॉमन कोड का इक्वेशन आ गया आपके पास में कॉमन कोड का इक्वेशन है अब इस सर्कल का जो सेंटर है इस कोड पे लाई करेगा सो व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल वी हैव वन माइनस फोर वन माइनस फोर इट विल इसको सेटिसफाई करेगा सिक्स प्लस सी प्लस डी सो वी है फिफ्टी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ दि द सर्कल लाइन y इज इकल टू एक्स प्लस टू तो अपने को इस लाइन इज द कोड ऑफ दिस सर्कल सो यू है ये आपके पास में लाइन आ गई दिसकल टू एक्स प्लस टू दिस एंड नाउ सेंटर ऑफ दिस सर्कल भी है माइनस टू कोमा वन ओके, सो फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस मिड पॉइंट तो सिंपल आप क्या करो यू कैन फाइंड आउट द यू कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ़ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन दिस लाइन ये भी एक तरीका है डायरेक्ट फाइंड आउट कर लोगे सो इक्वेशन ऑफ द कोड भी है एक्स माइनस वाई प्लस

माइनस थ्री अपॉन टू वन अपॉन टू सो सेकेंड ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ए बी बी एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल ए बी कोई एक पॉइंट है ऑन दिस सर्कल देन वैल्यू ऑफ थ्री ए माइनस फोर ए क्यूब होल स्क्र प्लस थ्री बी माइनस फोर बी क्यूब कैन नॉट बी किसके इक्वल नहीं हो सकती है ना तो so, आप देखो ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है वन है रेडियस कितना है वन है और ओरिजिन इसका क्या सेंटर क्या है सेंटर इज एट ओरिजिन तो इस सर्कल पे मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेता हूं लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट बी कॉस थीटा साइन थीटा ये लेट कर लिया सो दिस इज इक्वल टू ए बी ए बी के इक्वल है ना सो पुट ए इज इक्वल टू बी आई थीटा हियर सो थ्री कॉस थीटा माइनस फोर क्यूब थीटा प्लस थ्री सो वी हैव व्हाट इज ए वी हैव थ्री कोस थीटा माइनस फोर कोसक्यूब थीटा एंड व्हाट इज द बी बी वी हैव हियर साइन थीटा सो थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा ओके इस फॉर्म में अब अपने पास में देखो ये किसका फॉर्मूला है आपके पास में ये इसको पलट के लिखेंगे तो क्या आएगा दिस विल बी हेयर सो को स्केयर थ्री थीटा ओके सो दिस इज प्लस साइन थ्री थीटा इस फॉर्म में आ गया अब आपके पास में इसको देखो आप क्या लिख सकते हो वन माइनस साइन स्केयर वन माइनस साइन स्केयर थ्री थीटा प्लस साइन थ्री थीटा बोलो ऐसा आ गया तो इसको परफेक्ट स्क्यर बना ले तो देखो वन माइनस साइन स्क्र थ्री थीटा प्लस माइनस का सॉरी माइनस का आएगा साइन थ्री थीटा और प्लस का वन अपन फोर माइनस ये प्लस का हो जाएगा सो दिस विल बी योर इक्वल टू फाइव बाई फोर तो इधर आपके पास में किसके बराबर आ गया ये साइन थीटा थ्री थीटा माइनस वन अपॉन टू होल स्केर स्पोर में आ रहा है अगर देखो आप इसमें ना अब साइन थ्री यू नो फ्रॉम दॉमस वन टू वन अगर आप इसको वन अपॉन टू रखते हो तो इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू फोर बाई फाइव बाई फोर ये हो सकता है अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास से फाइव बाई फोर हुई मिनिमम क्या होगी जब आपके पास में ये मैक्सिमम होगा

By by रहेगा इसमें okay. तो अब आपके पास में दिस इज इक्वल टू वट दिसंट टू फाइव सो दिस इज मोर देन व्हाट वन पॉइंट टू फाइव ठीक है ना सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है सेकंड ऑप्शन ये वैल्यू नहीं हो सकती सो so, यहाँ पे क्या आएगा 1.5 आएगा 1.5 का स्क्वायर रूट करेंगे दैट विल बी लेसर देन 1.5 दैट विल लाइ इन दिस रेंज तो 1.5 आपके पास में अप्रोक्सीमेटली जैसे कितना चला जाएगा वो 1. अप टू वो 1.2 5 तो 1.2 लेंगे 1.2 का स्क्वायर कितना होता है 1.44 आएगा तो दैट विल बी दिस विल आल्सो लाइज इन दिस रेंज तो इसमें वो लाइ करेगा ओके okay? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें फोर्टीन क्वेश्चन देखो द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए सज दैट रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए सज दैट द एंगल थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ स्टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए कोमा जीरो टू द दर्कल सेटिस्फाई पाई बाय टू टू फ्रॉम पाई बाय टू टू पाई ओके सो व्हाट डज इट मीन

डायरेक्टर सर्कल तो डायरेक्टर सर्कल का रेडियस कितना होगा? होगा इसका डायरेक्टर so, सर्कल ड्रा, so, ड्रा करते हैं इस पॉइंट के कोर्डिनेट क्या हुआ माइनस रूट टू कॉमा जीरो

Tangent drawn from any point lying in this region will have the angle less between 90 and pi, less than pi but greater than 90. So what is the range of a? A belongs to what? Here we have minus root 2 minus 1 union. Okay, I mean like a 1 to root 2. Okay, so this is the required answer. The fourth option is the correct. नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टींथ क्वेश्चन देखें इफ टू कोर्ड्स ऑफ सर्कल एक्स स्क् प्लस वाई स्क्र माइनस माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो ड्रॉन फ्रॉम द्वारी इन रेशियो टू एस टू वन टू इस टू वन में डिवाइड करता है एक्चुअल में ये देखें ये सर्कल का इक्वेशन क्या है डायमीटर फॉर्म में है ऐसा ठीक है तो ये दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू व्हाट ओरिजिन से पास हो रहा है ऐसा सर्कल हो गया ठीक है अब यहां से कोड ड्रा की गई टू कोड्स आर ड्रॉन सो दीज कोड्स आर बाइसेक्टेड बाय व्हाट एक्स एक्सेस इन रेशियो व्हाट इन रेशियो टू इज टू वन इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट अपने क्या लेट कर लेते हैं एच कोमा जीरो और बी के कोऑर्डिनेट हम क्या लेट किए एक्स वन वाई वन इस तरीके से so तो दो कोड की जाती है तो देखो अब आपके पास से मैंने इसके कोऑर्डिनेट एच को जीरो लिया है तो इसमें आप क्या करोगे सेक्शन फार्मूला लगाएंगे टू एक्स वन प्लस ए अपॉन थ्री इजिकल टू एच तो यहां से एक्स वन की वैल्यू क्या आ गई थ्री एच माइनस ए अपॉन टू इस

बी स्क्र अपॉन फोर माइनस ए थ्री एच माइनस ए अपॉन टू इस फॉर्म में रहेगा एंड माइनस प्लस का बी स्क्र अपॉन टूल टू जीरो इसको सिंप्लीफाई करते हैं देखो तो, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा नाइन एस स्क् माइनस सिक्स ए एच एंड प्लस ए स्क्र तो यहां से फोर प्लस बी स्क्र सो हि है फोर टू आएगा तो सिक्स ए एच एंड प्लस टू ए स्क्वेयर प्लस टू बी स्क्र तो फोर एलसीएम ले एलसी ना अब इसको आगे देखो सिंप्लीफाई करेंगे यहां से किस फॉर्म में बन गया देखो नाइन एस स्क्वेयर नाइन एस स्क्र माइनस ट्वेल्व ए एच इस फॉर्म में आ रहा है ट्वेल्व ए एच फिर प्लस थ्री ए स्क्वेयर प्लस थ्री ए स्क्वेयर और थ्री ए स्क्वेयर और ए का टम कोई थ्री ए स्क्वेयर प्लस थ्री बी स्क्वेयर इस फॉर्म में आ रहा है ओके सो ये अब सिंपल इसको देखो आपने क्या किया इसको तीन से डिवाइड कर लिया सो थ्री ए स्क्वेयर फोर ए एच प्लस स्क्यर प्लस बी स्क्र सो यह एच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एच फॉर टू डिस्टिंग मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो दिस इक्वेशन मस्ट हैव द टू डिस्टिंग रूट्स तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो डी ग्रेटर देन जीरो तो क्या आ रहा देखो सिक्सटीन ये ए स्क्र माइनस एंड ट्वेल्व ए स्क्र प्लस बी स्क्र

अब क्वेश्चन है इफ द लाइन टच सर्कल एट पॉइंट ए बी देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी अगर ये लाइन सर्कल को किस पॉइंट पे टच करती है ए बी देन यू हैव टू फाइंड आउट दी ए प्लस बी तो सिंपल आप क्या करोगे यहां पे देखो सर्कल का सेंटर कितना है टू कोमा फोर फाइंड द कॉर्डिनेट्स ऑफ फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉम पॉइंट टू कॉर ऑन दिस लाइन ठीक है यह लाइन आपके पास में क्या है थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस फिफ्टीन सो फाइंड दूटो परुलर ड्रॉम दिस सेंटर ऑफ दिस सर्कल टू दिस टेंट सो क्या आएगा आपके पास में एक्स माइनस टू अप ऑन थ्री वाई माइनस फोर माइनस फोर एंड माइनस सो सिक्स माइनस सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन अपॉन दैट इज फाइव ट्वेंटी फाइव ओके यहाँ से आपके पास में कितना हुआ थर्टी वन थर्टी वन माइनस सिक्स दैट इज माइनस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव आ रहा है यहाँ पे सो एक्स माइनस टू अपॉन थ्री वाई माइनस फोर अपॉन माइनस फोर दिस वी है प्लस वन सो एक्स इज इक्ल टू फाइव एंड वी है इक्वल क्या आ रहा है आपके पास में जीरो सो व्हाट इज दिस वी दैट सो आंसर दिस क्वेश्चन भी देखे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट इफ एक्स एक्सक्र प्लस वाई स्क्र माइनस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस सेवन इज टू जीरो एंड कट ऑर्थोगोनली

सी वन प्लस सी टू यह रहेगा तो यहां पर आपके पास में जीवन वी हैव माइनस वन एंड जी टू वी है यहां से जीवन जी टू की वैल्यू निकाल दी आपने ठीक है एंड 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 वी 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 हैव 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 हियर हियर टू सो सो दिस दिस इक्वल तो की वैल्यू हमारे पास में वन आ गए सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट नाउ कॉमन कोड कॉमन कोड निकालेंगे तो देखो एक्स स्क्र प्लस वाई प्लस फोर एक्स प्लस टू प्लस वन इज इक्ल टू जीरो सोनाओ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस सेवन इजिकल टू जीरो तो यहाँ से कॉमन कोड की इक्वेशन निकाल लो दैट विल बी सिक्स एक्स प्लस फोर वाई एंड प्लस एट इज इक्ल टू जीरो यहाँ से आपके पास में थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर इज इक्ल टू जीरो तो एक सर्कल का सेंटर ले लो रेडियस ले लो इसका अपने देखो सेंटर क्या है व्हाट इज सेंटर 1,1 तो फर्स्ट सर्कल का सेंटर ले लिया तो 1,1 रेडियस देखो इसका रेडियस सो रेडियस भी है सो दिस इज थ्री सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड दैट विल बी गिवन बाय द सो लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड वी हैव 2 अंडर रूट r2 p2 सो 2 व्हाट इज द r 9

17 81 अपॉन वी हैव 13 इस फॉर्म में आ रहा है। सो so, यहां से आपके पास में किस फॉर्म में रहेगा 19 plus 30, 17 दैट इज 36 सो वी हैव हियर 12 अपॉन √13 इस फॉर्म में आ रहा है। ओके okay? तो आपके पास में जब इस फॉर्म में आ गया तो मेरे को ये बताओ यहां पे सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m minus n m minus n किसके इक्वल आपके पास में व हियर ए माइनस एन सो देट विल बी वन किसके कुल मिला वन के कुल मिला ओके नेक्स्ट okay? देखें

ओके okay, ये कंडीशन लगेगी आपके पास में तो पहले तो देखो आपके पास में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स सो सेंटर पहले का क्या है आपके पास में 1,3 तो so, c2 कितना आपके पास में 4 1 तो so, c1 c2 भी है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स सो वी हैव 9 प्लस हियर वी हैव 16 दैट इज 5 सो दिस व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल

इधर से आपके पास में क्या आएगा इस इनक्वलिटी से मोडलेस ऑफ माइनस थ्री लेस फाइव इससे क्या मिलेगा आपको यहां सेव हि माइनस टू एंड एट सो आर मस्ट बी ग्रेटर देन हियर वी हैव फ्रॉम ग्रेटर देन टू सो आर में लाई हेयर आर किस तरीके का हो सकता है आपके पास में हेयर यू हैव द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ आर इंटीग्रल वैल्यूज आर में हैव द थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सो व्हाट आर द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ आर हेयर फाइव तो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन सो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स

रूट टेन सो दिस विल बी टेन एंड वट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल भी है रूट फाइव दैट इज फाइव एंड नाउ वट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, सेंटर्स क्या क्या आपके पास में वन कोवा जीरो और ये आपके पास में दूसरे सर्कल के क्या है जीरो टू सो वी हैव द रूट फाइव सो दाइव ना इन डिनोमिनेटर भी है दिस इज फिफ्टी ये आपके पास में कितना आया आर वन आर टू तो दैट विल बी यू हैव टू टेक एंड सो 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 पे आपके पास में क्या आएगा? So, आ गया. ऑफ हियर यू विल हैव. आपको अक्यूट एंगल लेना है ठीक है ना यहाँ पे पाई बाई के दे रखा है तो यू हैव टू टेक दियर कॉस वन एटी कैन टेक हेयर वन एटी माइनस हेयर भी है तो एंगल बिटवीन द टू सर्कल इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स ड्रॉन एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपके पास में क्या क्या हो सकता है वो वन अपॉन रूट टू फाइव बाई फोर भी हो सकता है दोनों बनेंगे ना तो यहां से फिर आप एंगल क्या लोगे इसमें एंगल कैसा ये कॉस फोर्टी फाइव तो यहां से क्या बनेगा थीटा इज इकल टू वन थर्टी फाइव और यू कैन राइट ऑन फोर्टी फाइव वी आर गिवन हियर फाइव बाई फोर ठीक है ना तो आपके पास में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यू कैन टेक आई 135 और 45 बट अकॉर्डिंग टू दिस पी एफ बाय फोर सो द के के इज इक्वल टू फोर ओके थ्री पाई बाय फोर हो नहीं सकता तो यहां पे क्या होता थ्री से मल्टीपल होता पाई का ना तो नेक्स्ट देखें नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास में लास्ट क्वेश्चन है देखो

क्वेशन ऑफ दिस सर्कल इस सर्कल का इक्वेशन है ठीक है सो सेंटर ऑफ दिस सर्कल भी है ना ओके सो रेडियस ऑफ दिस सर्कल भी है इस सर्कल का रेडियस कितना है आपके पास में वन प्लस नाइन माइनस सिक्स दैट इज टू इस सर्कल का रेडियस हमारे पास में टू है तो ये डिस्टेंस अपने को निकालना है दिस डिस्टेंस वी है रूट फाइव सो दिस इज इट्स वन कोमा थ्री तो आपके पास में इसका कितना आ रहा है सो दिस इज रूट फाइव रूट फाइव सो यू रेडियस ऑफ दिस सर्कल इसका रेडियस आ जाएगा आपके पास में सो रेडियस ऑफ दिस सर्कल भी है फोर प्लस फाइव रूट में फोर प्लस फाइव दिल बी थ्री सो आंसर टू दिस क्वेश्चन का सोल्यूशन थर्ड अपनी एडवांस के क्वेश्चन का पेपर का एडवांस पेपर का सोल्यूशन देखते हैं ओके okay? बेटा अब एडवांस लेवल का पेपर देखें इसमें क्या फ्रॉम ए पॉइंट पी थ्री थ्री टू टेंस पी ए ड्रिस सर्कल पॉइंट डी इज सुजन दी ए डी बी फॉर मै रोमबस ओके तो फिर देखो आगे इसमें ऑफ दे ट्राइंगल पी ए बी तो ट्राइंगल पी ए बी का सर्कम सर्कल बताना है तो एक्चुअल में देखो आपके पास में ये जो सर सर्क, सर्कल है ना अब इस पे क्या फ्रॉम पॉइंट पी ऐसा

सर्कल इस सर्कल के सेंटर से पास होगा तो इस सर्कल का सेंटर कितना अपने पास में वन कोमा वन वन कोमा वन एंड दिस पॉइंट वी हैव थ्री थ्री सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल सर्कम सर्कल ओके सो दैट विल बी हियर दिस विल एक्ट एज ये क्या आएगा आपके पास में सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड दिस पी विल एक्ट एज डायमीटर डायमीटर ऑफ दैट सर्कल सो इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल विल बी हियर एक्स माइनस यहाँ पे x x x माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस वाई माइनस वन एंड वाई माइनस थ्री सो भी है इक्वेशन ऑफ सर्कल भी है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई एंड प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो सो विच ऑप्शन इज करेक्ट या तो देखो आपके पास में तो उस सर्कल का तो कौन सा ऑप्शन हुआ ये आपके पास से फोर्थ ऑप्शन तो नेक्स्ट में देखो आपके पास में क्या पूछ रहा है सो सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इन पी ए इसमें बोला है पी ए डी बी इज ए रोम्बस ओके सो आपके पास में जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन कोड ऑफ दीज टू सर्कल्स इनकी दोनों की कॉमन कोड निकाल लेंगे उसके अबाउट क्या है पॉइंट थ्री थ्री का रिफ्लेक्शन जो आएगा ये जैसे देखो आपके पास में एक रोमबस बनेगा ऐसे सो रिफ्लेक्शन ऑफ पी थ्री थ्री अबाउट दट इधर इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टार्टिंग में आपके पास में इक्वेशन क्या दे रखा है एक्सक्र प्लस वाई स्क्र एक्सक्र प्लस वाई स्क्र माइनस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू इज टू जीरो रखा है इन दोनों के कॉमन कोड निकाल लो कॉमन कोड ऑफ दीज टू सर्कल्स सो दैट विल बी कॉमन कोड क्या आएगी आपके पास में सो टू एक्स प्लस टू वाई एंड माइनस एट इज इक्वल टू जीरो सो वट इज द इक्वेशन ऑफ द ए बी ए बी का इक्वेशन फिर आपके पास में किस किस फॉर्म में रहा सो एक्स प्लस वाई माइनस फोर अब नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी

दूसरे वाला सर्कल है S1 वन इज जीरो दिस इज S2 टू इज जीरो ये सर्कल आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ट्वेल्व इसके ऊपर आपने टेंजेंट रखी है ऐसे ऑन फर्स्ट सर्कल सो फिर पूछ क्या रहा है आपके पास है सो इक्वेशन ऑफ द कॉमन कोड तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट सो इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड सिंपली यू हैव टू

क्ट यार तो यहां पर सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट भी है तो सेकेंड सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ देंजेंट रन एट दीज पॉइंट भी है सिक्स माइनस एटीन फाइव नेक्स्ट क्या है द डिस्टेंस ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टेंज फ्रॉम द कॉमन कोड सो कॉमन कोड का यह जो डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टी फ्रॉम द कॉमन कोड भी है ये देखते हैं चेक कर लेते हैं कि आता है कि नहीं आता है, तो देखो क्या करोगे कॉमन कोड आपके पास में ठीक so, so, है सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलिसंट सिक्स क्या है इसको टीसी ले, ले लेते हैं सो so, टीसी भी इक्वल टू वी है तो so, देखो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो टी के कोऑर्डिनेट्स ये रहे आपके पास में तो ईयर भी है सो थर्टी एंड प्लस फिफ्टी फोर अपॉन फाइव माइनस टेन अपॉन अंड में ट्वेंटी फाइव प्लस नाइन ओके अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने ये आपके पास में कितना आ रहा है ट्वेंटी हंड्रेड वन फिफ्टी फोर वन फिफ्टी फोर अपॉन फाइव रूट थर्टी फोर सो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस कॉमन कोड इज वी है किस वन फिफ्टी फोर

तो आपके पास में पहले तो के की वैल्यू निकालनी है देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ के यू हैव टू टेल द इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड वेरी सिंपल तो आपके पास में देखो इक्वेशन ऑफ व्हाट इज द कंडीशन फॉर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट और टू जी वन जी टू सो यहाँ पे वन इधर क्या आ गया के एंड टू यहां से आपके पास में टू जी वन जी टू सो जी जी टू कितना जीरो है फिर टू एफ वन प्लस थ्री के माइनस सिक्स सो के इज इकल टू वी आर है तो के वैल्यू क्या क्या आ रही है आपके पास में यहां पर माइनस थ्री बाई टू एंड टू सो विच ऑप्शन इज करेक्टर वी है सेकेंड ऑप्शन सो पुड दैल्यू ऑफ के हियर के की वैल्यू अपने इसमें रखते हैं दोनों में तो देखो आपके पास में क्या आ रहा है तो के की वैल्यू रखने पर टू वैल्यू जब आप पुट कर रहे हो तो वी है एक्स इधर आपके पास में एक्स स्क् प्लस वाई स्क्र प्लस फोर वाई प्लस टू सो क्वल टू जीरो यहां से अपने पास में इसका इक्वेशन देखो क्या आ रहा है यहां से सो so की वैल्यू हमने कितना रखा यहां पे टू रखा तो यहां से टू वी आर गेटिंग सो दिस इज एंड के की वैल्यू इसके लिए तो नहीं आ रहा ना आपके पास में इसके लिए देखो तो आपके पास में के वैल्यू जब दूसरी रखेंगे तो उसमें चेक और करो आप के वैल्यू टू रखने पर आपके पास में देखो क्या बने इक्वेशन टू एक्स प्लस टू के वाई या तो आप कॉमन कोड निकाल लो दोनों का कॉमन कोड क्या आएगा कॉमन कोड भी है वी आर सो सो दिस वी है कॉमन कोड ऑफ दी दिस टू सो वी है टू एक्स एंड सिक्स माइनस के सिक्स माइनस के इक्वल टू जीरो सो के की वैल्यू देखो आप यहाँ पे क्या डालते हो माइनस थ्री डालते हैं ना तो देखो किस फॉर्म में आ रहा है आपके पास में के की वैल्यू माइनस थ्री रखेंगे यहाँ पे दिस इज ट्वेल्व फिफ्टीन फोर एक्स प्लस टू जीरो इस वैल्यू के लिए फोर दिस वैल्यू ऑफ के वी है कॉमन कोड ओके तो आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ के इज टू एंड फॉर द कॉमन कोड यूज द माइनस थ्री अपॉन टू सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें द फोर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन फोर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन विद

y क्या आ रहा आपके पास में वन आ रहा है ठीक है ना तो y इजिकल टू वन एंड एक्स इजिकल टू वी आर गेटिंग टू तो ऐसा हो गया ये पॉइंट आपके पास में क्या हो गया जीरो okay? फिर आपके पास में इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई इजिकल टू जीरोल टू जीरो रखा तो एक्स इजिकल टू कितना माइनस थ्री एक्स इजिकल टू माइनस थ्री और एक्सिजिकल टू माइनस थ्री इधर आ गया ये ऐसे इस टाइप से हो गया माइनस थ्री जीरो तो जब आप क्या है इसमें कितना रखोगे जीरो रखोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई वाई इज द लेमडा थ्री अपॉन लेमडा तो थ्री अपॉन लेमडा ऐसे आ रहा है थ्री अपॉन लेमडा ये पॉइंट हो गया जीरो अब ये चारों पॉइंट्स क्या दे आर लाइंग ऑन ए सर्कल एक सर्कल पे लाइक करते हैं ऐसे ना ये चारों पॉइंट तो पहले तो आपने क्या फर्स्ट फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दी सर्कल पासिंग थ्रू दीज थ्री पॉइंट इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन निकाल लेते हैं तो आपके पास में क्या क्या है यहां से एक क्या निकाला था माइनस थ्री कोमा जीरो माइनस थ्री कोमा जीरो एक क्या जीरो माइनस वन अपॉन टू कोमा जीरो क्लियर और थर्ड ये पॉइंट क्या फोर्थ पॉइंट

एक कंडीशन ये आ गई फिर जीरो वन रखेंगे तो जीरो जीरो वन रखोगे तो क्या मिलेगा आपको यहां पे जीरो वन एंड जीरो प्लस टू एफ एंड प्लस सी ओके सो पुट दे अगेन दिस पॉइंट तो यहां पे आपके पास है वन अपॉइंट फोर जिसो माइनस जी माइनस जी एंड प्लस सी इस फोर में आ रहा है ओके यहां से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी जी की वैल्यू मिलेगी तो इसको सब वी गेट हियर नाइन माइनस वन अपॉन फोर एंड माइनस फाइव आपके पास में क्या वैल्यू आ रही है इसकी सो फाइव अपॉन फोर एंड दिस वी इक्वल टू वन अपॉन फोर ये वैल्यू मिल गई हमें जी की ओके okay? तो इसमें देखो इसका सेंटर जो है आपके पास में किस फॉर्म में कह रहा था सेंटर द सेंटर भी सर्कल भी है माइनस सेवन पॉइंट फोर कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा देखते हैं अपने चेक करते हैं ना अभी इसको देखो सो so, जी भी है यहां पे सॉरी यहां पे थर्टी सिक्स माइनस वन तो ये कितना आ रहा है आपके पास में थर्टी फाइव आ गया थर्टी फाइव सो दिस इज सेवन पॉइंट फोर जी की वैल्यू कितनी हुई सेवन पॉइंट फोर तो पुट दी वैल्यू ऑफ जी हियर है यहाँ पे जी की वैल्यू डालो तो आपके पास में कितना आएगा माइनस सिक्स अपॉन फोर सो माइनस सिक्स अपॉन फोर वन माइनस सेवन अपॉन फोर दैट इज माइनस सिक्स अपॉइंट फोर माइनस थ्री अपॉइन टू सी की वैल्यू थ्री अपॉइंट टू मिल गई ओके, सो पुट दिस वैल्यू ऑफ सी इज हेर सी की वैल्यू यहां डाल दो तो so, आपके पास में कितना हुआ सो टू एफ प्लस सो भैया फाइव फाइव अपॉइन्ट टू इक्वल टू जीरो एफ इज इक्वल टू बी है माइनस फाइव फोर ऐसा इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल भी है सो उसका रेडियस तो अपने को देखो एक्स स्क्स वाई स्क्र तो जी की वैल्यू डालेंगे सो दिस विल बी सेवन अपॉइंट टू एक्स एंड माइनस फाइव अपॉइन टू वाई प्लस थ्री अपॉन टू यू कैन फाइंड आउट नाउ ओरिजिन टू दिस सर्कल सो क्या आएगा रूट थ्री अपॉन टू ओरिजिन टू दिस सर्कल सो पुट दी ओरिजिन हियर एंड अंडू टेकिंग एंड व्हाट इज देंटर सेंटर क्या हो गया इसका माइनस सेवन अपॉन फोर एंड फाइव अपॉइंट फोर ओके अब और क्या क्या पॉइंट पूछे देख लेते हैं सो सेंटर इज हियर

एंड प्लस ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटी माइनस सी सो दिस में सेवेंटी फोर हो गया माइनस ट्वेंटी फोर यू हैव फिफ्टी फिफ्टी अपॉन सिक्सटी ये मिला तो देखा इसका रेडियस क्या कह रहा है आपके पास में दिस विल बी हियर सो दिसव एंड दो पे कट रहा है ना इसका तो ये कितना आ रहा है एट सो रेडियस भी है फाइव अपॉन रूट एट सो रेडियस वी आर गेटिंग रूट एट नाउ पुट द फोर्थ कोडिनेट तो फोर्थ कोऑर्डिनेट इस सर्कल में रखेंगे तो देखो क्या आएगा आपके पास में तो उसमें लेमडा की वैल्यू मिलेगी तो देखते हैं सो थ्री अपॉन लेमडा हेयर जीरो सो नाइन लेमडा स्क्वेयर एंड वी हैव ट्वेंटी वन अपॉन टू लेमडा ओके प्लस थ्री बाई टू इक्वल टू जीरो स्पोर में आ रहा है सो सो जीरो थ्री बाई लेमडा सॉरी दिस इज

थ्री लेमडा स्क्वेर सो थ्री से डिवाइड हो रहा है फाइव लेमडा प्लस नाइन इतना प्लस नाइन सो यू एड टू टेल तो आपके पास में लेमडा की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी तो यहां से थ्री से डिवाइड किया था तो सिक्स आएगा यहां पे आपके पास में लेमडा की वैल्यू क्या आएगी टू एंड थ्री ओके तो लेमडा की वैल्यू देखो कौन सा ऑप्शन इसमें सेट बैठता है देख लेते हैं सो इज़ इक्वल टू टू सो ऑल फोर ऑप्शन आर करेक्ट यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको करेक्ट मिल रहे हैं तो so, देखो आपके पास में मैंने क्या क्या निकाला था यहाँ पर सो वैल्यू ऑफ फ्रॉम द दीजन सो रेडियस ऑफ सर्कल जस्ट वी है

तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा आपके पास में एट ट एंड बी वी है सेवन एक्स एंड थ्री वाई सो दिस इज फाइव एक्स प्लस सेवन एंड माइनस थ्री वाई प्लस थ्री प्लस थर्टी ओके इस फॉर्म में आएगा तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं सो दिस इज टू एक्स सो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस थर्टी फाइव माइनस नाइन फोर्टी थ्री यहां से माइनस कितना हुआ 9, तो थर्टी फोर्टी फोर तो माइनस का फोर्टीन सो so भी है सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी बी पे आपके पास में टेंजेंट का इक्वेशन क्या हुआ फाइव एक्स प्लस वाई एंड माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव एंड माइनस थ्री वाई प्लस वन प्लस थर्टी इज इक्वल टू जीरो ऐसा हो गया अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी आर गेटिंग हियर माइनस टू बाई सो फाइव एक्स कटेगा तो माइनस टू बाई सो माइनस ट्वेंटी फाइव एंड माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी एट प्लस थर्टी दैट इज प्लस टू सो वी आर गेटिंग वाई इजिकल टू वी आर वन सो

नाउ एरिया अपने को एरिया फाइंड आउट करना है सो सिंपल इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस एक तो ये ऑप्शन हो गया आपके पास में कौन सा द फैमिली सो देयर आर सो मेनी सर्कल्स विच आर पासिंग थ्रू द ए एंड बी सो स्मोलेस्ट सर्कल विल बी दट हूज डायमी ए एंड बी तो स्मॉलेस्ट सर्कल के लिए इसके कोर्डिनेट हमारे पास में पता है सेवन थ्री है एंड बी के क्या आपके पास सर्कल स्मोलेस्ट सर्कल कौन सा होगा जिसके डायमी क्या ए एंड बी होंगे तो आपके पास में इक्वेशन देखो क्या बनेगा एक्स माइनस सेवन एंड वाई माइनस सॉरी एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव प्लस थ्री वाई माइनस वन ओके तो इस फोर में आएगा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो एक्सर प्लस फोर वाई एंड थर्टी एट सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट नाउ रेडिकल एक्सेज ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स सो इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कंटेक्ट ऑफ दिस पॉइंट सेवन कोमो वन विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल

क्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दी सो वी हैल टू फोर इस फोर में आ रहा है सो द रेडिकल एक्स ऑफ दी ऑफ सर्कल्स इज नॉट एक्स प्लस वाई इजिकल टू टेन वो नहीं है आपके पास में ओके तो नेक्स्ट देखें आप इसमें

वट इज रेडियस ऑफ दर्कल सर्कल है फाइव 5 25 प्लस 9 माइनस 30 दट इज 2 तो so, आपके पास में रेडियस कितना आ गया? 2 आ गया सो वट इज लेंथ ऑफ देंट फ्रॉम दिसंट सेट विल बी आएगा प्लस 1 माइनस so, so, 70 एंड प्लस माइनस 6 ओके okay? प्लस 30 इस तरीके से रहेगा तो आपके पास में ये कितना आएगा माइनस फोर्टी सिक्स आएगा माइनस फोर्टी सिक्स एंडर वी ग्री थ्री एरिया ऑफ दिस क्वार एल आर सो फोर टू इंटू टू सो एरिया ऑफ दिस वी हैव फोर सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे सो दिस विल बी द योर रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ देंडा सो लेमडा कैन बी हेयर माइनस वन फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन थर्ड फोर्थ सो लेडा विल बी हेयर माइनस टू टू थ्री फाइव सो बिच ऑल बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एंगल बिटवीन द दस रन पॉइंट पी रन फ्रॉम पॉइंट पी टू सर्कल इज टू अल्फा सो देन लोकस ऑफ द पॉइंट पी इज ए सर्कल तो पॉइंट पी का जो लोकस है दैट इज़ सर्कल सो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स रन फ्रॉम पॉइंट पी इज टू अल्फा तो देखो अब इसमें कैसे है ये पॉइंट पी है सो वी हियर रेडियस सो एंगल बिटवीन दान फ्रॉम पॉइंट पी टू बो सर्कल्स इज टू अल्फा, ये एंगल कितना आपके पास में अल्फा है ठीक है सो टोटल एंगल इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल भी है तो अब इसका लोकस में द लोकस ऑफ दी इज बीज लेट्स एच कोमा क्या कर लिया तो एपी क्या आएगा आपके पास में वो देख लेते हैं लेंथ ऑफ दी एंड नाउ व्हाट द सेंटर सेंटर क्या रहेगा आपके अपॉन दैट इज साइन अल्फा वो फॉर्मूला लगाना है सो इज द रेडियस रेडियस क्या हुआ इस सर्कल का देखें आपके पास फोर प्लस नाइन माइनस नाइन साइन अल्फा माइनस थर्टीन को अल्फा ऐसा आ गया तो इसको देखो आपके पास में आर अल्फा यहां से आपके पास में क्या आएगा माइनस का फोर सो फोर माइनस फोर को अल्फा सो दिस विल बी टू साइन अल्फा ये आपके पास में क्या आएगा टू साइन अल्फा आएगा यू नो

स्केयर दिस इज टू स्केर सो वोकस ऑफ एफ एज ए सर्कल रेडियस इज टू रेडियस कितना सर्कल सो इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस द एक्सेस ऑफ दाइन इन फर्स्ट को आपके पास में सर्कल का दे रखा देन वैल्यू ऑफ सी तो सर्कल में फिर वैल्यू ऑफ सी क्या हो सकती है देखो वेरी सिंपल है सो दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट पॉइंट फोर कोमा जीरो एंड जीरो थ्री नाउ देअर विल बी टू टाइप्स ऑफ सर्कल्स विच टचे दिस लाइन एंड कोअर्डिनेट एक्सेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये एक तो सर्कल ये बनेगा आपके पास में और एक सर्कल दूसरा कौन सा बनेगा आपके पास में इस टाइप का सर्कल बनेगा ओके सो okay. so इसका जो रेडियस है आपके पास में दिस इज फोर दिस इज थ्री दिस इज फाइव सो व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस इन सर्कल वी है डेल्टा अपॉन एस ओके इसका वन आ रहा है आपके पास में देखो यहां पे एरिया कितना इसका? 6 है इसका सिक्स है एंड वडी दस एस इज द वन तो सिमिलरली आपके पास में इसका जो आपके पास में रेडियस आएगा सो रेडियस ऑफ दैट सर्कल सो व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ दिस सर्कल वन वन रेडियस इज वन सो एरिया ऑफ सो रेडियस ऑफ दिस सर्कल विल बी हियर डेल्टा अपॉन एस माइनस सी सो व्हाट इज डेल्टा हियर एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये आपके पास में कितना S6 है सिक्स है सो हियर वी हैव एस वी हैव हियर एस वी हैव ए इज द

एक तो ये आ गया C की वैल्यू आपके पास में क्या क्या हो सकती है एक तो तो C की वैल्यू इसमें तो x माइनस वन सॉरी ये टू एक्स आएगा टू एक्स तो C एक तो वन हो गया और एक आपके पास में क्या आएगा वेन यू टेक द हेयर तो C विल बी हेयर थ्री तो ट्वेल्व सिक्स आएगा तो आपके पास में देखो x माइनस सिक्स सेकेंड सर्कल ये बनेगा ओके सो दिस वी रेडियस वी हेयर तो आपके पास में सी इज इक्वल टू सिक्स आ रहा है सो आर ऑप्शन इज हियर वी है तो सी इज इक्वल टू वन एंड सिक्स क्वेश्चन देखे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास में दी सर्कल एक्स स्क्स वाई स्क्र प्लस टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी सो दीज आर दी टू सर्कल्स सो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू ऑन बोथ टू ये बताना है सो दे आर ऑर्थोगोनल

सेंटर ऑफ़ द सेकंड सर्कल माइनस थ्री कोमा फोर एंड रेडियस वी हैव हियर रेडियस कितना आ रहा है इसका ट्वेंटी फाइव ये आपके पास में ट्वेंटी फाइव माइनस टेन सो दट इजन अंडू सॉरी फिफ्टीन ये फिफ्टीन आ रहा है ओके okay? तो फर्स्ट का रेडियस आपके पास में कितना था फाइव आ रहा है ये नाउ वट इज द डिस्टेंस बिटवीन देअर डिस्टेंस बिटवीन देअर सेंटर्स सेंटर्स तो के बीच में डिस्टेंस देखो कितना आ रहा है आपके पास में सो वी हैव हियर तो दैट इज टू यहाँ पे आपके पास में फोर एंड दिस इज थर्टी सिक्स सो वी आर हियर गेटिंग द रूट फोर्टी रूट फोर्टी आपके पास में यहाँ पे क्या आ रहा है इसमें डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स आ रहा है तो आपके पास में ये क्या हुआ टू रूट टेन ओके तो इनका सबका सम देखो आपके पास में क्या r1 plus r2 इज ग्रेटर देन व्हाट c1 c2 तो यहाँ पे बेटा हमारे पास में क्या आ रहा है यहाँ पे c1 c2 इज लेस देन r1 plus r2 आ रहा है ओके okay? तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे क्या है बहुत ही सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ऐसा हो गया सो हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स विल बी देयर देयर यू विल हैव द टू कॉमन टेंजेंट्स सो आर दे दे आर ऑर्थेगनल पहले ऑर्थेगनल के लिए चेक करने के लिए आप क्या करोगे यहां से टू जी वन जी टू तो टू जी वन जी टू ओके प्लस टू एफ टू टू एफ वन दट इज टू एफ टू भी है माइनस फोर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड वट इज सो दिस इज माइनस सिक्सटीन माइनस टेन एंड इज इक्वल टू माइनस टेन सो दे आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थग्नल So condition of orthogonally, orthogonality. So they are satisfying both the circles. So length of their common tangent, length of their common tangent. You have. So when they are intersecting externally, so length of their common tangents will be here. We have. So this formula will be applied d square r1 minus r2. So this is the direct length of the direct common tangent. If you require the

दिस इज द लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो डायरेक्ट कॉमन एंजेंट की लेंथ आ जाएगी तो so, उसको देखो सिंप्लीफाई किया तो कितना आता है आपके पास में तो so, देखो 40 प्लस माइनस फाइव तो देखो ऐसे 40 अंड्रूड में तो so, क्या आ रहा है 5 25 प्लस 15 माइनस टेन रूट फिफ्टीन ओके ऐसा आ रहा है तो यहां से ये तो कैंसिल हो गया सो वी आर गेटिंग हियर सो दिस इज इक्वल टू व्हाट प्लस टेन अंडरूट फिफ्टीन ऐसा है ये इस फॉर्म में आ गया तो देखो क्या है यहां से आपके पास में देखो 12 अपॉन फाइव सो यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन तो देखो इसको आप सिंपलीफाई करके लिखते हैं तो किस फॉर्म में आता है ये तो अब इसको देखो आपको ना थोड़ा सा इसको उस फॉर्मेट जैसा बनाना पड़ेगा जो गिवन है आपके पास में देखो कैसे किस तरीके से होगा वो तो यहां पर क्या है ये फाइव इंटू टू लिख लेता हूं और इसमें फाइव इंटू थ्री जस्ट क्या उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है तो अब इसको देखो हमने क्या है इसको फाइव से ऊपर नीचे देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें यहाँ से आपके पास में ये क्या आएगा यहाँ पे इसको मैं रूट फाइव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा फाइव बाहर आ जाएगा तो ट्वेंटी फाइव आएगा यहाँ पे इन टू टू सो ये रूट थ्री बाई फाइव इस टू को अंदर ले जाओ इसमें तो क्या बनेगा ये फाइव ट्वेल्व अपॉन फाइवेशन अपॉन फोर ये सो देखो कौन सा ऑप्शन बन गया एक तो एक ये थर्ड ऑप्शन सो नाउ यू द कॉमन कॉर्ड लेंथ ऑफ़ कॉमन कोड लेंथ ऑफ कॉमन कोड निकालने के लिए आपको क्या एस वन माइनस एस टू निकाल लो तो देखो लेंथ ऑफ कॉमन कोड बी हेयर तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड विल बी फोर एक्स एंड माइनस ट्वेल्व वाई एंड प्लस थर्टीन क्या आ रहा है यहां से टू एक्स प्लस माइनस सिक्स वाई प्लस फिफ्टीन ये आपके पास में इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड आ गई तो एक सर्कल का अपने पास में सेंटर देखो इसका सेंटर क्या था इसका सेंटर भी है -1 एंड -2 एंड व्हाट इज इट्स रेडियस वी हैव 5 ओके सो लेंथ ऑफ द कॉमन कोड विल बी हेयर, सो 2 अंडर आर r स्क्वायर सो so 25 माइनस लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू दिस कॉर्ड सो दैट इज वी हैव माइनस टू प्लस ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन अपॉन हियर वी हैव हैविस थर्टी सिक्स प्लस फोर रूट में सो दिस इज स्केयर स्पोर में आ रहा है इसको सिंपलीफाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको यहां से इधर से ये ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी फाइव आ गया यहां से देखो टू यहां पे ट्वेंटी फाइव माइनस 25 फाइव एंड नाउ दिस इज 40. ओके okay, तो so 25 को बाहर ले लें आप इसमें देखो आपको क्या मिल रहा है सो so फाइव बाहर टू तो एक फाइव बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया वन सो इधर 25 अपॉन 40 दैट इज फाइव अपॉन एट फाइव अपॉन एट ओके सो दिस विल गिव दी थ्री अपॉन एट तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा सो यू विल गेट लेंथ ऑफ दी कॉमन कोड भी है फाइव हंड्रेड थ्री टू तो नेक्स्ट देखें ने आप नेक्स्ट में देखो आपके पास में इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है ए ऑफ लाइंस टेंजेंट टू सर्कल इस सर्कल पे टेंजेंट है सो so आपको क्या बताना वैल्यू ऑफ दी वन अपॉन एम वन प्लस वन ओपन एम टू सो यहां से देखो आपके पास में इन दोनों से अगर ये दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द टू टेंजेंट्स तो इसके दो इक्वेशंस इक्वेश आपके पास में देखो यहां से एक्स माइनस टू कॉमन निकालेंगे तो आपके पास में क्या रहेगा एक तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी हेयर एक तो ऐसा बनेगा इसको फैक्टराइज कर लो ना उस तरीके से देखो दूसरे वाली क्या रहेगी आपके पास में एक्स माइनस टू एम टू वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो ओके अब वो क्या कह रहा है देखो इज ए टेंजन टू दिस सर्कल सो लेट्स अज्यूम द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू दिस सर्कल इन दिस वे x माइनस टू एम वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो सो दिस इज द टेंजेंट टू दिस सर्कल यहां से m की दो वैल्यूज मिलेंगी दे आर पुट हियर तो देखो एम वाई माइनस टू एंड माइनस टू सो दिस इज द टेंजन टू दिस सर्कल सो हेयर भी है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल पुट इक्वल टू रेडियस रेडियस के इक्वल रखेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास में वन माइनस एम एंड माइनस टू एम माइनस वन अपॉन में इक्वल टू रेडियस रेडियस क्या है आपके पास में रूट टू सो हेयर भी है माइनस थ्री एम तो वन सो इधर से माइनस टू था माइनस टू सो वी आर गेटिंग थ्री एम स्केयरिंग करेंगे सो हियर वी ऐसा, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिल रहा है आपको देखो नाइन एम स्क्र प्लस सिक्स एम प्लस वन हेयर वी इसके जो फैक्टर करोगे तो एम की दो वैल्यूज आएंगी, दी टू वैल्यूज ऑफ दी एम वी हैव हियर सेवन माइनस वन पॉइंट सेवन सो एक तो मिलेगा वन पॉइंट सेवन एंड एम इज इक्वल टू माइनस वन सो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ दी एम वन एंड एम टू तो एम वन और एम टू की वैल्यू यहाँ डालोगे तो यूट वैल्यू विवन माइनस वन सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है सिक्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इस क्वेश्चन में देखो आपके पास में देर आर द्री सर्कल्स दे आर टचिंग ए लाइन एक लाइन को टच करते हैं

आपके पास में देखो आर वन आर टू सो व ए सी ए सी वी है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट विल बी ट्वाइस ऑफ दूड प्रोडक्ट ऑफ दियर टेंजेंट ओके वो फॉर्मूले से लगेगा क्या आपके पास में इसमें डी

ओके, सो टू से टू कैंसिल हो जाएगा यहां पे देखो आर वन आर टू की वैल्यू इसमें जब डालोगे आपके पास में यहां से सिक्स और थर्टी मिलेगा सिक्स एंड थर्टी एंड दिस विल बी थर्टी सिक्स एंड नाइन हंड्रेड दिस इज थर्टी सिक्स ये थर्टी सिक्स आ गया आपके पास में सो वट इज दू टू टर वी है

ये ये सर्कल सर्कल क्या क्या है 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 एक टेंजेंट उस टेंजेंट के अलोंग स्लाइड करता है सो व्हाट इज इंटर सेंटर वी है इसका सेंटर ये है विच इज लाइंग बिलोंग दी वट ए लाइन एक्सेसिबल टू बाई एंड वेन इट मूव ए डिस्टेंस थ्रू वट अंडर टू आर

स्लाइड करेगा नाउ इट रीचेस व्हेन इट इज ट्रेवल्ड थ्रू अ डिस्टेंस व्हाट रूट टू आर इट रीचेज एट दिस पॉइंट सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज बी सो हियर इट्स सेंटर भी है सेंटर क्या आपके पास में इसका सो फोर एंड ए बाई टू फोर ए बाई टू है ना इसका सेंटर सो हाउ मच दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दिस सर्कल दिस रूट टू सो

किसके रखते हैं फोर के इक्वल रखते हैं सो व्हाट वी आर गेटिंग जाएंगे आर so वैल्यू हमें 3 by 2 पता लग गई। ऑफ आर यू कैन फाइंड आउट द्री बाई टू प्लस थ्री बाई टू एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेंटर ए बाई टू सो वी हैव सिक्स पता लग गई अब रेडियस ऑफ दिस बोध सर्कल रिमेन सेम सेंटर हमें पता लग गया इस सर्कल का कैन यू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं अपने तो देखो अब अपने पास में इसका रेडियस कितना हाउ मच इट्स रेडियस तो रेडियस ऑफ दिस गिवन सर्कल भी है इसका रेडियस देखो कितना आपके पास में ट्वेंटी फाइव बाई फोर प्लस नाइन बाई फोर माइनस एट ये यारो दिसना हुआ थर्टी फोर माइनस सो दिसन बाई रूट टू सो रेडियस ऑफ दिस सर्कल यू नो वन अपॉइंट रूट टू रेडियस रिमेन सेम सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल सो सेंटर एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर एंड वाई माइनस सॉरी वट इज ए सिक्स थर्ट इज थ्री यहां पे थ्री आएगा स्क्र इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू स्क्र अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एट एक्स माइनस सिक्स वाई ओके सो हियर वी हैव ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस वन अपॉइंट टू सो वट इज दी सी भी है फोर्टी नाइन अपॉइंट टू

लाइन ऐसे है क्योंकि इंटरसेप्ट मेड बाय द दिस लाइन ऑन वाई एक्सिस इज नेगेटिव एंड ऑन एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव दैट सर्कल विल मे लाइ इन फोर्थ क्वाड्रेंट इन दिस वे सो दैट इन ऑर्डर टू लाइ दैट सर्कल कंप्लीटली इन फोर्थ क्वाड्रेंट इंटरसेप्ट मेड बाय दैट सर्कल ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो और दैट सर्कल डज नॉट मेक एनी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्स एक्सिस एंड वाई एज वाई एक्सिस

सर्कल टू लाई कंप्लीटली इन फोर्थ क्वार हैव जी स्क्र माइनस सी लेस देन इक्व टू जीरो सो वट इज द जी वी हैव थ्री लेमडा अपॉन टू होल स्क्स टेन लेमडा माइनस फोर दिस विल बी प्लस लेस देन इक्व टू जीरो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो लेमडा स्क्वेयर प्लस फोर्टी लेमडा दिस विल बी सिक्सटीन ओके लेस दैन इक्वल टू जीरो

ओके okay, यहां से यहां तक वेरी कर रहा है तो सिमिलरली फॉर दैट किसके लिए एफ वेयर माइनस सी मस्ट लेस इक्वल टू जीरो से आपके पास में क्या आ जाएगा ये सो फोर लेमडा स्क्वेर एंड दैट विल बी प्लस टेन लेमडा प्लस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो आपके पास में टू लेमडा स्क्र प्लस फाइव लेमडा प्लस टू लेस इक्वल टू जीरो इसके फैक्टर करोगे आपके पास में टू लेमडा स्क्वायर प्लस फोर लेमडा प्लस लेमडा प्लस टू लेस इक्रोम तो में, में बनेगा लेमडा प्लस टू एंड सो टू लेमडा कॉमन सो टू लेमडा प्लस वन सो लेमडा वेरीज फ्रॉम हेयर लेमडा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है इसमें माइनस टू से माइनस वन अपॉन टू ओके तो यहां से दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे सो बी एव सो माइनस टू इज ग्रेटर देन फोर एंड माइनस फोर अपॉइंट नाइन इज लेस देन देस वन अपॉन टू तो उससे छोटा हो गया आपके पास में क्या आएगा लेमडा बिलोंग्स टू हियर बी एव लेमडा बिलोंग्स टू माइनस टू टू माइनस टू टू माइनस फोर बाई नाइन ऐसा आ रहा है अब अपने को पूछा कि लार्जेस्ट रेडियस है ना सो so, फाइंड आउटर रेडियस इसका रेडियस देखें क्या आता है तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं प्लस का हो जाएगा टेन लेमडा प्लस फोर तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो आपके पास में किस फोर में आ रहा है 16 25 लेमडा उसके एंड वी है 40 लेमडा प्लस सिक्सटीन इस फॉर्म में आएगा टू बाहर आएगा सो वट इज दिस दिस इज 5 लेमडा मोडुलस ऑफ 5 लेमडा प्लस फाइव 4 प्लस फोर अपॉन टू ओके फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा दिस रेडियस विल बी लार्जेस्ट

अपॉन so, नाइन क्या है वो आपके पास है अपॉन एटीन दैट विल बी नॉट मोर देन व्री सो यहां पर लार्जेस्ट रेडियस फाइव माइनस टू प्लस फोर सो अपॉन टू सो है सो फिफ्थ क्वेश्चन देखें इसमें इफ ए सर्कल ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस कितना थ्री रूट टू

दिस एक्टर इज ए डायमीटर डायमीटर का काम कर रहा है क्लियर है तो इसका आपके पास में रेडियस कितना है दैट इज थ्री रूट टू ओके तो आपके पास में यू कैन हैव द ए बी इज इक्वल टू बी हैव ए बी इज इक्वल टू सिक्स रूट टू सिक्स रूट टू ओके अब अपने पास में यहां पे क्या आ रहा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर We are getting here, मिलेगा, अब अपने पास में यहां पे देखो क्या मिलेगा आपके पास में लेट्स अज्यूम सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल बी एचकोमा के अपने को इसके सेंट्रोइड का लोकस फाइंड आउट करना दैट इज ए सर्कल उस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल का रेडियस बताना है ठीक है

ट्राइंगल ओ एज द सर्कल आपके पास में सर्कल आ रहा है ठीक है सो वट विज द रेडियस ऑफ द इट्स डायरेक्टर सर्कल सो सिंपलीव टू मल्टीप्लाई दिस बाई रूट टू रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे सो वट विज द रेडियस ऑफ द इट्स डायरेक्टर सर्कल रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल भी है इक्वल टू व्हाट किसके इक्वल आएगा इसको रूट टू से मल्टीप्लाई करें सो दैट इज फोर सो रेडियस ऑफ इट्स डायरेक्टर सर्कल भी है रूट मतलब टू रूट टू रूट टू टू रूट टू दैट इज फोर तो बेटा ये आपके पास में डीसीएम के पेपर नंबर फिफ्टीन का सॉल्यूशन था एडवांस लेवल का ओके थैंक यू